ओके वी आर रोलिंग। ओके हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज उदित शर्मा एंड यू वॉचिंग यूरी रावत। यस, थोड़ा थोड़ा क्या, बहुत टाइम हो चुका है, 55 डेज टू बी प्रिसाइज। 55 डेज से मैंने कोई वीडियोस नहीं डाली है, कोई वीडियो नहीं डाली है। और मैं उम्मीद करता हूँ यार कि लॉकडाउन में सब घर पर रह रहे होंगे। अब ये कोरोना की बात को साइड में रखते हुए मैं बाकी की बात करता हूँ। देखिए सर, लॉकडाउन की वजह से ना सब इफेक्ट हुए हैं, मैं भी इफेक्ट हुआ हूँ, जिस वजह से मैं कंटेंट नहीं बना पा रहा हूँ। अब आप कहेंगे कि ये मेरा जॉब है, ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपको एंटरटेन करूँ, मैं आपको टेक की खबरें दूँ। या देखो, जैसे पूरी दुनिया रुकी है ना, वैसे टेक वर्ल्ड भी रुका हुआ है। देयर इज नथिंग दैट केम आउट इन लास्ट 2 मंथ्स। सीरियसली, 2 महीने में ऐसा कुछ ना तो मोबाइल ना लैपटॉप या फिर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं आई जो मैं आपको बताऊं। अब रही बात नॉर्मल वीडियोज की, कि मैं आपसे ऐसे चैट कर रहा हूँ या फिर लाइव स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, वो मैं इसीलिए नहीं कर पा रहा, बिकॉज यार एक अंदर से फीलिंग आती है जब इंसान खुश होता है। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, कंटेंट क्रिएटर का अपना अपना होता है। मेरे अगर मैं बात करूँ एज ए कंटेंट क्रिएटर, तो भाई मैं तभी वीडियो बनाता हूँ जब मेरा मन करता है। मैं किसी से के प्रेशर में आगे वीडियो नहीं बनाता, या फिर मैं इस वजह से वीडियो नहीं बनाता था कि यार आज गुरुवार है, आज मेरे को वीडियो डालनी है, आज सैटरडे है, आज मेरे को वीडियो डालनी है, आज मंडे, आज मेरे को वीडियो। नो नो नो, दैट्स नॉट हैपनिंग विद मी, नेवर, कभी नहीं होने वाला है। मैं ऐसा हूं कि आज मन कर गया वीडियो डाल दी, जैसे आज मेरा मन कर गया, मैंने कहा यार 55 दिन हो गए, आज वीडियो डालते हैं, डाल दिया। वो फीलिंग आने के लिए ना एक खुशी चाहिए होती है, ये फीलिंग आने के लिए जो मैंने अभी आपको समझाया। ये फीलिंग पिछले 55 दिन से इसलिए नहीं आ रही क्योंकि 30-35 दिन से तो लॉकडाउन चला हुआ है। और दूसरी चीज, क्वालिटी। यार मैंने एक OnePlus 8 के लॉन्च पर मैंने सोचा था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा, और मैंने एक चैट की थी अपने फ्रेंड के साथ, वीडियो चैट, और उसको मैं डालने वाला था इंस्टाग्राम लाइव की तरह। बट वो भी थोड़ा क्वालिटी नहीं अच्छी आई, ऑडियो की क्वालिटी है जो भी है, तो मैंने नहीं डाली। आई होप अभी आपको आवाज़ ठीक आ रही हो। भाई देखो, माइक है, मोबाइल का माइक है, मेरे पास प्रॉपर वाला माइक जो मेरा है रोड वायरलेस, वो अभी है नहीं। मैं अलग सिचुएशन में हूँ, अलग जगह पर हूँ, अपने स्टूडियो से बाहर 500 किलोमीटर दूर। फंसा तो नहीं कहूंगा, मैं यहाँ खुद आया था और मैं जा सकता था, बट मैं गया नहीं। अब मैं यही कह रहा हूँ कि यार ऐसे अगर आपको वीडियोस चाहिए तो मैं डाल सकता हूँ, बट मेरे चैनल की क्वालिटी गिरा के मन तो नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में बोलिए कि हाँ भाई, हम ऐसी वीडियो से काम चला लेंगे। ऐसा नहीं है कि ये भाई 4K, तो ये भी है 4K की क्वालिटी, ये भी वीडियो आएगी और जबरदस्त आएगी। ऑडियो भी आई थिंक इतनी तो आएगी कि आपको सुनने में आ रहा हो। तो बस यही है, अगर आपको ऐसी वीडियो चल जाएगी काम तो मैं डाल दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। आप बेझिझक भाई, आप बस बोलो यार, आप मेरी ऑडियंस हो, 48,000, 40,000 जितनी भी है, 40,000 समथिंग है, तो मैं जो आप बोलेंगे वो करूंगा। बट उसमें मेरा भी थोड़ा सा होना चाहिए, मेरी फीलिंग, लाइक मेरे को फीलिंग आ रही है कि हाँ भाई आज वीडियो बनानी है, तो मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा, जैसे आज मैंने किया। अब बात करते हैं कि कुछ थोड़ा सा अपडेट भी दे देते हैं, टेक का अपडेट। OnePlus 8 लॉन्च हुआ, मत लेना। OnePlus 8 Pro लॉन्च हुआ, अगर आप OnePlus 8 लेने के मूड में है तो OnePlus 8 मत लेना, OnePlus 8 Pro लेना, क्योंकि 10,000 रुपये में ना जमीन आसमान का फर्क है। लाइक अगर आप देखोगे तो 10,000 रुपये में वायरलेस चार्जिंग जुड़ रही है, 10,000 रुपये में एक्स्ट्रा दे के, 10-12,000 रुपये में देखे, जो 53,000 का पड़ रहा है आपको OnePlus 8 Pro, उसमें आपको वायरलेस चार्जिंग एक्स्ट्रा मिल जाएगी, और क्वाड HD डिस्प्ले एक्स्ट्रा मिल जाएगी, 120 Hz की डिस्प्ले एक्स्ट्रा मिल जाएगी, 240 Hz का जो टच करने वाला वो होता है, टच सेंसिटिविटी, वो एक्स्ट्रा मिल जाएगी आपको, और कैमरा एक एक्स्ट्रा मिल जाएगा, वाइड एंगल वाला कैमरा 48 मेगापिक्सल का मिल जाएगा, जो कि OnePlus 8 में नहीं है। और भी ढेरों फीचर हैं जो कि आपको उसमें मिलेंगे, OnePlus 8 Pro में, OnePlus 8 में नहीं मिलेंगे। और बिलीव मी, OnePlus 8 Pro इज किलर फोन, OnePlus 8 में वो फीचर्स नहीं है। अब चाइना वाली बात आ जाती है तो मैं कुछ नहीं कह सकता भाई साहब, चाइना वाली बात तो कुछ नहीं बोलूंगा कि चाइनीज फोन है क्या, ये आपकी चॉइस है भाई साहब। अगर फोन इंडिया में बिक रहा है, बिकता है तो ले लेना, अगर फ्यूचर में नहीं बिकता है या नहीं बिक रहा है, अभी अवेलेबल नहीं है, तो मत लेना, बस यही कह सकते हैं। अगर लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो बस सैमसंग और चाइना ही सारी कंपनी बंद, तो सैमसंग एप्पल बचेगा इंडिया में, और कुछ बचने वाला नहीं है। ये तो फ्यूचर का है, लेकिन जो भी है फिलहाल तो बस इतना ही कहेंगे कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं OnePlus में, तो OnePlus 8 Pro ही लेना है। OnePlus 8 किसी भी, लाइक मतलब आपको 40,000 में भी मिलेगा, 3-4 हज़ार रुपये कम करके, ना ही लेना भाई, बिल्कुल नहीं लेना। 39 में भी मिले, 38-37 में भी मिले, तब भी नहीं लेना। OnePlus 8 Pro इज जस्ट ऑसम, और OnePlus 8 इज
क्लास, सच बता रहा हूँ, 2 साल के अंदर ना कुछ अपडेट किया ही नहीं उन्होंने। वन प्लस 7 उठा के देख लो, वन प्लस 8 उठा के देख लो, बिल्कुल भी अंतर नहीं है। ठीक है, तो यही थी बस बात है। और आप बताइए कमेंट में, हमारे आके कमेंट का जवाब जरूर दूंगा, क्योंकि यार बहुत दिनों की वीडियो डाली। अपडेट सैमसंग गैलेक्सी S10 लेड में यूज कर रहा हूँ अभी भी, ये वीडियो भी उसी से शूट हो रही है, 4K में फ्रंट कैमरा से शूट हो रही है। और आई होप सब कुछ सही चल रहा होगा। अब मैं एक बात बताता हूँ इसके, कि कुछ दिनों से ना मैं चार्जिंग में थोड़ा पंगा देख रहा था, कि थोड़ा स्लो चार्ज हो रहा था अपन S10 Lite। तो मैंने जस्ट केबल का, मेरे को फॉल्ट मेरे को पता लगा केबल में, जैसे मैंने केबल चेंज की टाइप सी टू टाइप सी वाली, ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो कुछ लोगों ने मेरे को कमेंट भी किया था कि S10 Lite का जो है चार्जिंग प्रॉब्लम आ रही है, स्लो हो रहा है। तो भाई साहब केबल चेंज कर लो, अगर आपके पास सैमसंग सर्विस सेंटर है आसपास तो वहां पर जाके आप चेंज करवा सकते हैं। फिलहाल नहीं, लॉकडाउन है, लॉकडाउन के बाद केबल चेंज करवा सकते हैं, 6 मंथ की वारंटी है, वो वारंटी भी एक्सटेंड हो रही है। जब भी लॉकडाउन खुलेगा आप केबल जाके सीधी चेंज करा सकते हैं, 5 मिनट का काम है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। या फिर केबल को स्विच करके देख लें, इधर वाला एंड इधर वाले एंड से लगा के देख लें, जो मोबाइल में लगा रहे हैं उसको एडेप्टर में लगाएं और एडेप्टर वाले एंड को मोबाइल में लगाएं, काम चल जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी आप कवर ओवर निकाल रहे हैं, थोड़ा बहुत गर्म कम होगा तो चार्जिंग थोड़ी फास्ट हो सकती है, मेरे साथ जो मैंने फील किया, मैंने सब आजमा के देखा है तो हुआ है। या फिर आप अपने फोन को पावर ऑफ करके फिर चार्ज करें, और ध्यान रहे एक्सटेंशन से चार्ज मत करना। जैसे मेरे पास ये एक्सटेंशन है, तो एक्सटेंशन में 5-6 वो है सॉकेट, तो उसकी वजह से शायद पावर कम मिल पा रही है। इसको आप प्रॉपर एक जिसमें एक ही स्विच हो उसमें चार्जिंग लगा एडप्टर लगा के चार्ज करना, तो ये भी फर्क पड़ रहा है। बाकी आप बताइए क्या चल रहा है लॉकडाउन में, सब ठीक है कि नहीं? आई होप सब ठीक होंगे। अगर कोई बीमार है तो उसकी एक्स्ट्रा केयर करें और अपने डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करें कि प्रॉब्लम है, प्लीज चेकअप करवाना है हमें, जो भी है प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, एंड आई होप एवरीथिंग विल बी ऑल राइट सून, एज सून एज पॉसिबल। यार मैं तो चाहता हूँ जल्दी से जल्दी, सितंबर तो छोड़ो, ये बोल रहे ना सितंबर तक हो जाएगा भाई, अगस्त में खत्म करो, जुलाई में खत्म करो भाई, ट्रैक पर आना पड़ेगा इकोनॉमी को। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं ऐसे डेली बात कर सकता हूँ, 10 मिनट में क्या ही जा रहा है, इट विल बी ऑल राइट, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस बात यह है कि आपको पसंद आ रहा है कि नहीं, अगर आपको पसंद आ रहा है तो कॉन्टेक्ट मी, आप email ID भी है मेरी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उस पर भी कर सकते हैं, udit12000@gmail.com। और कमेंट्स में तो कह ही सकते हैं आप जो भी कहना चाहते हैं, कोई लोगो नहीं आएगा, सीधी सीधी ये वीडियो ऐसे ही जाएगी, क्योंकि ना तो मेरे पास लैपटॉप है, ना मेरे पास कैमरा है, ना मेरे पास माइक है, ना मेरे पास लाइट है। भाई मेरा स्टूडियो जयपुर में हो, मैं इस समय कहीं और हूँ 500 किलोमीटर दूर, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं अपने सारे स्टूडियो वाले गियर के साथ वीडियो शूट कर पाऊँ। फिलहाल तो बस यही है जो है सो यही है। अब देखिए सर, जब किसी चीज़ की अधिकता होती है ना, तो मतलब जो कोई चीज़ एक्सेस में होती है तो उसकी केयर नहीं होती है, अब चीज एक्सेस में नहीं होती है ना, कम होती है तो उसकी याद आती है। मेरे पास जब स्टूडियो में था मैं हाला ऐसा सोचता यार कैमरे से अच्छी वीडियो नहीं बननी, ये वो फलाने बनाना, आई रियली मिस दैट। मेरे जब छत पर मैं वॉक करता हूँ शाम के टाइम पे, तो अलग अलग पक्षी आते हैं यार, मैं उनकी वीडियो शूट इस फोन से करता हूँ या फोटो भी खींचता हूँ इस फोन से खींचता हूँ, तो मेरे को फील नहीं आती यार, मेरे को ऐसा लगता है कि काश मेरे पास सोनी A6400 होता जो कि मेरे पास है, उससे मैं उस पक्षी की जो फोटो निकालता जबरदस्त आती। बट वही है ना, फंसा हुआ इंसान कुछ नहीं कर सकता, मैं फंसा हुआ नहीं हूं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन घर में बंद है और मेरे पास इक्विपमेंट नहीं है, थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। मैं ठीक है, मैं फोन से भी वीडियो बना रहा हूँ, वो बात फीलिंग की वजह से, मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, बिना फीलिंग के वीडियो बनाना मेरे लिए इम्पॉसिबल। मैं जब वीडियो बनाने का मन करता है मैं बना देता हूँ, कोई मेरे को फोर्स नहीं कर सकता, कोई मेरे को प्रेशर नहीं कर सकता कि भाई वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, नो नो ना बनेगी भाई, बन ही नहीं सकती, इट्स माई चैनल, इट्स माई चॉइस और योर चॉइस बिकॉज यू आर माई ऑडियंस, अगर आप कहेंगे तो बना देंगे। और बाकी कोई मेरे को आइडिया देगा तो मेरे को आइडिया दीजिए, अगर आपके पास कोई है आइडिया कि क्या। और हाँ, एक लैपटॉप जरूर लॉन्च हुआ था, इसके बारे में बताना चाहता हूँ, एसुस ज़ेफिरस G14 शैल बी बाइंग जब भी इंडिया में रिलीज होगा, शानदार लैपटॉप। इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लैपटॉप, अगर आपका बजट है अगर 80-90 हज़ार के आसपास, आंख बंद करके ले लेना 1650 वाला मॉडल। अगर लेकिन आपके पास 15-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हैं तो मैं कहूंगा कि 1.10-1.20 पे जो उनका टॉप मॉडल है 2060 के साथ जो आता है, RTX 2060 के साथ 16 GB RAM एंड AMD का प्रोसेसर है Ryzen 4 4700H, जबरदस्त है, आंख बंद करके भाई उसकी परफॉर्मेंस जो है ना दुनिया के किसी भी लैपटॉप से बेटर है,
भाई 2070 वाले जो लैपटॉप है ना, RTX 2070, उनको लैपटॉप को पछाड़ दिया उसके लिए। इंटेल का जो 10th जेन का प्रोसेसर आया ना, 1070 जो भी है, 10 जो भी आया, 10,000 समथिंग, वो भी इतना पावरफुल नहीं है जितना AMD का वो 4700H है। तो बिलीव मी गाइज, इट्स जस्ट ऑसम प्रोसेसर, ऑसम लैपटॉप, खरीद लेना अगर आपका मन करे तो। एसुस जेफरस G14 पतला रही है, 17-18 mm का, और गेमिंग लैपटॉप है, 120Hz की 1080p की डिस्प्ले है, तो इट्स ऑसम। तो बस यही है दोस्तों, यही बताना था। वेबकम नहीं है उस लैपटॉप में, तो देख लेना, वेबकम तो सब अलग से ही खरीदते हैं यार, आजकल मोबाइल के वेबकम है तो वही लैपटॉप की जरूरत पड़ती है। थैंक यू वॉचिंग गाइज, इतना ही था, कुछ हो तो जरूर कमेंट में बताएं मेरे को। और हाँ, थैंक यू यू आस्क, मेरा जो हाथ था, जो प्रॉब्लम थी, वो 95% ठीक हो गया, मेरे हाथ में ज़्यादा प्रॉब्लम बची नहीं है, तो थैंक यू फॉर आस्किंग। वैसे तो आपने पूछा नहीं है, लेकिन जितना मैंने पूछा है, जो लोगों के दिमाग में था कि भाई यूरी रावत के हाथ में 3 महीने से प्रॉब्लम थी, वो ठीक हो गई है, 1-2 महीने और प्रॉपर ठीक करने के लिए, उसके बाद मैं पुशअप लगा पाऊंगा, एटलीस्ट मैं वर्कआउट कर पाऊंगा, तो अपनी बॉडी पे वापस ध्यान देना है। चलो ठीक है, घर में रहना, स्टे सेफ, बाहर मत निकलना, साबुन से हाथ धोना, सारे प्रोसीजर फॉलो करना, एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात को पत्थर की लकीर समझ लेना, अगले 6 महीने तक या जितने भी तक, जब तक वो बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती है मेरी। थैंक यू।